भारत के साथ दोस्ती को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मजबूत करने जा रही हैं। खबर है कि स्वतंत्रता दिवस पर बांग्लादेश 26 मार्च को ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सफर करने के लिए ट्रेन चलाने वाला है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली पहली ट्रेन होगी। और ये सब कुछ 55 साल के इंतजार के बाद हो रहा है कि ट्रेन फिर से पटरी पर वापस लौटने जा रही है, जिससे आम लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। साल 1965 में भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूट गया था, जिसके बाद कूच बिहार में हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के चिलहटी के बीच रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी, जिसको अब फिर से शुरू किया जा रहा है और इसको हरी झंडी खुद रेल अधिकारियों ने दी है। फरवरी के महीने में बांग्लादेश और कटिहार रेल मंडल के रेल अधिकारियों के बीच एक विशेष बैठक हो चुकी है। हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्लामारी स्टेशन को लेकर पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल बैठक में बातचीत हो चुकी है। दोनों ने रेलवे लिंक को शुरू करने की बात कही थी। अब इस रेल लिंक के शुरू हो जाने से भारत और बांग्लादेश के आम लोगों के बीच एक नए दोस्ती के चैप्टर की शुरुआत होगी। अब हम आपको समझाते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली पहली यात्रा ट्रेन से आम लोगों को कैसे फायदा होगा। इस रेल लिंक से भारत के अलावा 3 और देशों को फायदा मिलेगा, जिसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार शामिल हैं। इसकी मदद से बांग्लादेश के टूरिस्ट दार्जिलिंग, सिक्किम, डुअर्स के अलावा कई जगह आसानी से घूम सकेंगे। ये रेल लिंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगी। पर जो यात्री इस रेल लिंक के जरिए सफर करना चाहते हैं, उन्हें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सभी यात्री जो NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक ट्रेन की यात्रा करेंगे, उन सभी के पास पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य है। यात्रा करने के लिए सभी यात्रियों को विदेश की यात्रा के प्रोटेक्टिव रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ेगा, और ये नियम हर उस यात्री पर लागू होगा जो बांग्लादेश से आ रहा है या फिर भारत से बांग्लादेश जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।